गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है हेमेंजियोमा। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सभी शल्य तंत्र के सिलेबस CCM के अंदर जो दिया गया है उससे रिलेटेड हैं। तो अगर आपने मेरी पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं तो मेरी बाकी की वीडियोज़ भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। टॉपिक का नाम जैसे मैंने बताया हेमेंजियोमा। तो सबसे पहले अगर मैं इसके इंट्रोडक्शन या फिर डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो हेमेंजियोमा को हम बता सकते हैं कि इट इज़ ए नॉन कैंसरस ग्रोथ। ये जो है ये एक नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है विच डेवलप्स ड्यू टू एबनॉर्मल कलेक्शन इन द ब्लड वेसल्स। आई थिंक शायद समझ में आ गया होगा, हमारी बॉडीज़ के अंदर जितनी भी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं अगर उनके अंदर जो कलेक्शन होता है ब्लड का अगर वो नॉर्मल की बजाय एबनॉर्मल होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से जनरली ये हेमेंजियोमा डेवलप होता है। या फिर इसके अलावा मैं कह सकती हूँ कि अगर बाई चांस जो वेसल्स हैं वो एक वेसल्स ना होके वहाँ पे मल्टीपल ऑफ वेसल्स यानी कि एक से अधिक वेसल्स अगर आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर अगर एक लंप फॉर्म करती हैं तो वहाँ पे भी हम उसको बोल सकते हैं कि एबनॉर्मल कलेक्शन अगर वो हुआ है तो वो जो है वो हेमेंजियोमा में डेवलप होता है। जनरली जो इसका अगर इटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो ऐसा माना गया है कि पहला तो ये बोला गया है कि ये जनरली कंजेनाइटल होता है, ठीक है, लेकिन दूसरा ये भी बोला गया है कि ड्यूरिंग गेस्टेशनल एज मतलब जब बेबी जो है प्लेसेंटा के अंदर रहता है तो उस टाइम जो है वो कुछ ऐसे प्रोटीन सिक्रेशंस होते हैं जिसकी वजह से ये हेमेंजियोमा जो है वो बेबी के अंदर डेवलप होता है। अगर स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूँ इसकी साइट की तो साइट में ये जनरली स्किन के ऊपर ऑन द स्किन भी मिल सकता है, अंडर स्किन भी हो सकता है यानी कि सबक्यूटेनियसली भी हो सकता है। इसके अलावा ये इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर भी पाया जा सकता है, फॉर एग्जांपल लीवर हुआ, किडनी हो गया, ठीक है, लंग्स हो गए, तो इनके अंदर भी हेमेंजियोमा डेवलप हो सकता है। इसके अलावा अगर ये हेमेंजियोमा हमारी बॉडी की कैविटीज़ के अंदर अगर डेवलप होता है या फिर ब्रेन की कैविटीज़ में या फिर अगर बॉडी की कहीं भी कैविटीज़ के अंदर अगर डेवलप होता है तो उसका एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है जिसको बोला जाता है कैवर्नस हेमेंजियोमा। तो ये तो हो गया इसकी एटियोलॉजी और ऑल अबाउट साइट। अब मैं इसके अगर साइन और सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो जनरली ये चीज़ बताई गई है कि ये जो है ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। 80% केसेस के अंदर हेमेंजियोमा एसिम्प्टोमेटिक होता है, ठीक है, ये किसी भी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट कोज नहीं करता, लेकिन जो बाकी की जो परसेंटेज जो हैं जो 10-20% जो हैं उन केसेस में हो सकता है कि अगर बाय चांस इंटरनल ऑर्गन्स पे कहीं हुआ है तो ये आपको कुछ सिम्टम्स दे सकता है। सिम्टम्स जैसे क्या होगा, वही जनरल सिम्टम्स जैसे नोज़िया हुआ, इंटरनल ऑर्गन पे अगर कहीं भी हुआ फॉर एग्जांपल लीवर वगैरह पे हुआ तो उस केस में आपको नोज़िया हो सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट आपको हो सकता है। इसके अलावा अगर किडनी वगैरह पे हुआ तो आपको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है, ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अगर जैसे जनरली अपीयरेंस जो इसकी बताई गई है तो अगर स्किन की मैं बात करूं तो जनरली बोला गया है कि स्किन के ऊपर नेक या फिर फेस के ऊपर या फिर बम्प के ऊपर जनरली अगर हेमेंजियोमा पाए जाते हैं तो उन केस में ये इसकी रेड कलर की अपीयरेंस होती है। और रेड कलर के जब स्टार्टिंग में बेबी पैदा होता है तो उस टाइम हल्के स्क्रैचेस के रूप में ये पाया जाता है, ठीक है, और रेड कलर की अपीयरेंस या फिर इसको स्ट्रॉबेरी रेड कलर अपीयरेंस भी बोला जाता है। तो जब बेबी पैदा होता है तो उस टाइम इसकी स्क्रैचेस के तौर पे हेमेंजियोमा जो है वो आइडेंटिफाई होता है। और उसके बाद जैसे जैसे एज ग्रो करता है बच्चा जैसे जैसे ग्रो करता है तो उस केस में कई बार ऐसा होता है कि वो प्रोट्यूड होता रहता है ऑन द स्किन, और कई बार ऐसा भी होता है कि बाय द एज ये जो है अपने आप डिसअपियर हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा है कि अगर किसी केस में अगर ये प्रोट्यूड कर रहा है, अगर ये ग्रो कर रहा है और अगर इसने एक साइज से ऊपर अगर ग्रो कर लिया है तो उस केस में ये आपको अल्सर भी कोज कर सकता है, ठीक है। तो ये तो एक बात थी। और दूसरा, अगर
जैसे लीवर मैंने आपको बताया, लीवर, किडनी या फिर इसमें लंग्स में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भी हेमेंजियोमा डेवलप हो सकते हैं, तो उस केस में जनरली ये बताया गया है कि जब तक इसका साइज़ एक मैक्सिमम लिमिट तक ग्रो नहीं हो जाता तब तक ये एसिम्प्टोमेटिक ही रहता है, ठीक है। जनरली इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही कम देखे गए हैं, तो ये चीज़ इसमें कुछ और। जो लीवर के केसेस में मोस्टली ऐसा देखा गया है कि इसकी जो फाइंडिंग होती हैं वो एक्सीडेंटल फाइंडिंग मानी गई है, क्योंकि ये बहुत कम जो है वो सिम्टम्स अपने डेवलप करता है। अब मैं इसकी अगर बात करूँगी डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस में सबसे पहले आपका पॉइंट, जैसे मैंने बताया था, सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा फिजिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि फिजिकल एग्जामिनेशन में मैंने बताया अगर स्किन के ऊपर है, ठीक है, तो आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इंटरनल ऑर्गन पे अगर ये डेवलप हुआ है तो इंटरनल ऑर्गन में सबसे बेस्ट जो आपके लिए रहेगा वो USG है, ठीक है। USG में अगर आपको हल्का फुल्का डाउट लग रहा है तो आप CT या फिर MRI करा सकते हैं। तो ये डायग्नोसिस की बात हो गई। नेक्स्ट अगर मैं इसके ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ अभी, तो ट्रीटमेंट में जैसे मैंने बताया कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बाय द एज ही अपने आप जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, मतलब अपने आप डिसअपियर हो जाता है, तो उसके इसमें तो ज़रूरत ही नहीं रहती। इसके अलावा अगर ये सिम्टम कोज करता है तो हमें क्या करना चाहिए, तो उस केस में इसके जनरली 4 पॉइंट्स बताए हुए हैं। तो सबसे पहला है कि कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन एक एडवाइस किया गया है। अगर बाई चांस ये सिम्टम कोज करता है तो उस केस में हमें एक कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन एडवाइस किया गया है। उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हेमेंजियोमा है उसके बेस में हम वो इंजेक्शन जो है वो इंजेक्ट करते हैं और उसके ऊपर हल्का प्रेशर बनाते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि वहाँ की जो इन्फ्लामेशन होता है वो उसको भी रिड्यूस करता है और जो उसकी ग्रोथ जो होती है उसको भी वो रिड्यूस करता है। नेक्स्ट जो होता है वो आता है लेज़र। लेज़र में भी सेम वही रहता है। लेज़र क्या करता है कि एक तो जो वहाँ की जो रेडनेस होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने फेस या नेक पे ही बताया, तो मैंने बताया कि स्ट्रॉबेरी रेड कलर अपीयरेंस होती है, ठीक है, डीप रेड अपीयरेंस होती है, तो वो दूर से अलग से दिखती है ना, तो उस केस में अगर मतलब मोस्टली प्रेफर किया जाता है लेज़र। वो लेज़र क्या करेगा कि जो रेडनेस होगी उसको वो रिड्यूस करेगा और जो हीलिंग होती है वो भी उस केस में क्विक होती है। तीसरे अगर मैं बात करूँ, अगर जैसे मैंने बताया कि इंटरनल ऑर्गन्स की अगर मैं बात करूँ कि जैसे लीवर वगैरह पे जनरली एसिम्प्टोमेटिक रहता है, लेकिन लीवर, किडनी या फिर लंग्स में अगर कहीं भी अगर बाय चांस ये साइज़ में ग्रो इतना हो गया है कि पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो रहा है या फिर डिस्टेंशन हो रहा है ना, या फिर सिम्टम कोज हो रहे, तो उस केस में हमें जनरली इसको एक्साइज ही करना पड़ता है, ठीक है, सर्जिकल अप्रोच से हमें इसको एक्साइज ही करना पड़ता है। और लास्ट जो मैंने आपको एक केस बताया था कि अगर बाय चांस स्किन पे जैसे बटक्स वगैरह पे या फिर नेक पे अगर बाय चांस ये प्रोट्यूड कर रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि ये अल्सर भी डेवलप हो जाता है, तो उस केस में हमें एक लोकल मेडिकेटेड जेल जनरली बताया गया है, तो वो हम जनरली उसमें प्रिस्क्राइब करते हैं, जो उसमें साल्ट जो है वो बताया गया है बीकैल्प्रिन, ठीक है, बीकैल्प्रिन जो है वो साल्ट बताया गया है, और जो ब्रांड नेम है उसका वो बोला जनरली ब्रांड नेम जो है वो रेग्रानेक्स ब्रांड नेम है, और बीकैल्प्रिन जो है उसके अंदर साल्ट आता है, ठीक है, रेग्रानेक्स जो नाम से वो जनरली वो जेल पाया जाता है। तो ये था आपका ऑल अबाउट हेमेंजियोमा। थैंक यू सो मच।